दर्शकों को स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते दिन भर की खास खबर। विधायक निधि से बेतवा को स्वच्छ बनाने के लिए 10 लाख की राशि हुई थी मंजूर। प्रदूषित बेतवा की ओर नहीं जा रहा जिम्मेदारों का ध्यान। महलघाट सेवा समिति ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बिजली पानी सहित अन्य गहराती समस्याओं को लेकर माधवगंज पर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। रैली के रूप में पहुंचे नगर पालिका का घेराव करने, फोड़े एक मटके। और जिला स्वास्थ्य विभाग के सदस्यों द्वारा किए गया 50 यूनिट रक्तदान, जो जरूरतमंद मरीजों के आएगा काम। अब खबर विस्तार से। बेतवा को साफ स्वच्छ बनाने के लिए समाज सेवी व प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में विगत कई वर्षों से औपचारिक बैठकें आयोजित की जाती है। नतीजा निकलता है तो सिर्फ शून्य। वहीं बेतवा के शुद्धिकरण के लिए महलघाट सेवा समिति के सदस्यों ने विधायक शशांक भार्गव से विधायक निधि से 10 लाख रुपए की राशि मंजूर कराई गई थी, लेकिन 50 दिनों बाद भी बेतवा की साफ सफाई पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। बेतवा के हालात जस के तस हैं। विधायक की राशि का उपयोग नगर पालिका द्वारा नहीं होने से महलघाट सेवा समिति के लोगों ने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और बेतवा के शुद्धिकरण की मांग प्रशासन से की है। सिंह है आज हम लोग साहब कलेक्टर साहब से ये निवेदन करने आए। महलघाट सेवा समिति के सभी साथी आए हैं। हमारी समिति का निवेदन कलेक्टर साहब से ये है कि विधायक जी ने, शशांक भार्गव जी ने हमको महलघाट सेवा समिति को मार्च के महीने में, आज से 50 दिन पहले जो है, 10 लाख रुपए की विधायक निधि सेंक्शन की नदी में फाउंटेन लगाने के लिए। 2 फाउंटेन लगाए जाना है और 2 फाउंटेन की राशि तो नगर पालिका को दे दी है, लेकिन नगर पालिका ने आज तक उसमें 50 दिन में कोई भी काम नहीं किया, ना कोई कार्रवाई की। और बरसात आने वाली है, गर्मी से पहले अगर वो लग जाता बरसात से पहले तो उसका निश्चित रूप से लाभ बेतवा को मिलता और साफ होती, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती, उसमें जो है वो सफाई की ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास आज आए हैं कि साहब इसमें आप कार्रवाई कराइए। जैसे कि विधायक जी 10 लाख रुपये दिए हैं, अगर ये बरसात हो जाती है और किस काम में उपयोग करेंगे? नहीं, अब कोई उसका और दूसरा कोई उपयोग थोड़ी होगा। बरसात हो जाएगी तो वो काम नहीं हो पाएगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा पानी, बिजली व अन्य गहराती समस्याओं के चलते माधवगंज पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के उपरांत रैली के रूप में नगर पालिका पहुंची। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा बताया गया कि भूजल स्तर काफी गिरने से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं नगर पालिका वार्डों में पानी पहुंचाने में असमर्थ है। अघोषित बिजली कटौती से परेशानियां बढ़ रही हैं। ऐसी कई जनहित की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसियों द्वारा मटके भी फोड़े गए और प्रदर्शन किया। विधायक शशांक भार्गव ने मीडिया से चर्चा कर अपनी बात रखी। लगातार ये खेल चलता रहा और इस खेल की आड़ में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है और नतीजा क्या निकला? आज शहर के बहुत सारे मोहल्लों में पानी नहीं मिल पा रहा। अभी एक डिबेट हो रही थी, उसमें देखा था कि भैया कह रहे थे कि मेरे खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। अरे ये आज का प्रदर्शन किसके खिलाफ है? वो आदमी जो पढ़ने के पीछे से आक्रोश जाहिर करना पड़ता। आज से ठीक 7 साल पहले हमने एक व्यक्ति को नगर पालिका का अध्यक्ष चुना था। इस उम्मीद से चुना था कि मुख्यमंत्री का खास आदमी है तो भैया विदिशा में बहुत विकास होगा, लेकिन हुआ क्या? पूरा शहर खुलवा के रख दिया, गली गली खुलवा दी। जो पीछे
का धरना प्रदर्शन था आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा लाइट बिजली पानी किसानों का पैसा बेरोजगारी तमाम चीज़ों को लेके आज आंदोलन किया था। प्रशासन को ज्ञापन भी दिया ये बहरी गूंगी अंधी सरकार को जगाने का प्रयास है, इनके नेता कालनेमी को जगाने का प्रयास है। ये खाजापा पार्टी है, यहाँ पर ये हालत है कि नगर पालिका में नरक पालिका हो गई। अब ये पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे राज कर रहे हैं और पूरी नगर पालिका को निचोड़ के खा गए। जैसे मोदी जी जनता का तेल निचोड़ रहा ना, वैसे इनने 15 सालों में निचोड़ के खा गए। उसके खिलाफ हमने आज धरना प्रदर्शन किया। हमारी मांग है कि सभी कॉलोनियों में पानी पहुँचाया जाए विधिवत, लाइट की कटौती बंद की जाए शहर में भी और गाँव में भी। और अगर इस बार हमारी मांग नहीं सुनी गई तो अब ये होगा कि जनप्रतिनिधियों को अपने रूप में आना पड़ेगा और अधिकारियों जो बदमाशी कर रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं उनका काल। जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 50 यूनिट रक्तदान किया गया। ब्लड बैंक अधिकारी धर्मेंद्र रघुवंशी ने बताया कि जरूरतमंदों के लिए 100 यूनिट रक्तदान किया जाना है। फिलहाल अभी 50 यूनिट रक्तदान हुआ है जो मरीजों के काम आएगा। डॉक्टर धर्मेंद्र रघुवंशी, ब्लड बैंक अधिकारी, जिला विदिशा। ये अपना जो स्वास्थ्य शिविर चल रहा है उसके माध्यम से CMHO सर के मार्गदर्शन में अभी ब्लड डोनेशन कैंप भी उन्होंने रखा है, जिसमें लगभग कल भी 10-15 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। अभी 12 यूनिट अभी तक हो चुका है। किनके माध्यम से हो रहा है ये अपना? कौन कर रहा है ये? स्वास्थ्य प्रधानमंत्री जी का उस स्वास्थ्य शिविर जो चल रहा है उसी के माध्यम से। हाँ हाँ, संस्था के माध्यम से कर रहा है? नहीं, ये संस्था कोई संस्था सब अपना हेल्थ विभाग ही है, पूरा हेल्थ विभाग की तरफ से है। कितने का लक्ष्य से पहुँचाएगी? लगभग लक्ष्य तो 100 का है, लगभग अभी 25-30 तो हो चुके हैं हमारे। किनके काम में आ रहे हैं ये? सभी जो ज़रूरतमंद हैं, जो एक्सीडेंटल केस आ जाते हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और जो थैलेसीमिया वाले बच्चे हैं, जो अपने ज़िले में लगभग 70-80 बच्चे अपने ज़िले के हैं, कुछ अपने रायसेन डिस्ट्रिक्ट से भी बच्चे आते हैं, उन्हीं सभी के काम। SATI कॉलेज की कैलाश सत्यार्थी हाल में ग्रामीण प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों को 10 किलो मूंग दाल व माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों को 15 किलो मूंग दाल का वितरण हुआ। पोषण प्रभारी द्वारा जानकारी दी गई। मैं प्रधानमंत्री पोषण योजना की जिला प्रभारी हूँ। आज ये बच्चों को किस तरह की सामग्री बांटी है और कितने बच्चों को? ये बच्चों आज बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मूंग की दाल का वितरण हुआ है। प्राथमिक शाला में 10 केजी प्रति बच्चा है और माध्यमिक शाला में 15 केजी। कितने बच्चों को दी गई है? अब आज तो हमारे यहाँ 29 बच्चों को अभी मिली है क्योंकि शुभारम्भ हुआ है, अब वितरण चालू हो गया पूरे गाँव में और हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं और पूरे जगह उचित मूल्य की दुकानों में आज वितरण चालू है। जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ। स्वास्थ्य मेले के दूसरे दिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचे। बाहर से आए वरिष्ठ चिकित्सक व प्राइवेट चिकित्सकों द्वारा इलाज किया गया। संचालक स्वास्थ्य विभाग के नीरज चौधरी भी उपस्थित रहे। कृष्णा कैंसर हॉस्पिटल भोपाल के चिकित्सक द्वारा मरीजों का उपचार भी हुआ। मैं डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला हूँ,
कैंसर विशेषज्ञ मैं जी। ये जिला अस्पताल विदिशा में हम आज सरकारी कैंप के तहत इधर आए हैं अपनी सेवाएं देने। हम यहाँ पे लोगों में कैंसर के लक्षणों की पहचान करेंगे और उनको समझाइश देंगे कि कैसा जो लक्षण है क्या वो कैंसर के हैं कि नहीं है, और अगर कैंसर के लक्षण पाए गए तो उसकी प्राथमिक जांच यहाँ करके हम उनका इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत पूर्णतः मुफ्त करते हैं। और लक्षण है इसके मूलतः जो लक्षण होते हैं, देखिए साहब, एक तो ये है कि छाला होना जो कि भर नहीं रहा है, 15 दिन से ऊपर कोई भी छाला मुंह में, शरीर में, किसी भी अंग में, या फिर कोई ऐसी गठान होना जो कि नॉर्मल इलाज की स्थिति में नहीं ठीक हो रही। स्तन की गठान हो सकती है, गले में गठान हो सकती है, जांग में गठान हो सकती है, लिंग में छाले हो सकते हैं, गुदा द्वार से या फिर बच्चेदानी के रास्ते से खून आना, ये सब इसके मुख्य लक्षण हैं जिस पर इंसान को ध्यान देना चाहिए। स्वप्निल गर्दे हैं, मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल से आया हूँ। क्या किस तरीके के यहाँ पर हम वैसे तो सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कार्डियक डायग्नोस्टिक के वो सभी लेके आए हैं, दिल के छेद से लेके अगर कोई वाल्व का लीकेज है वो, हार्ट अटैक, नसों का ब्लॉकेज, हार्ट फेलियर, इन सभी चीज़ों का इलाज होता है जितने भी कार्डियक बीमारियाँ हैं। तो हम इको की मशीन लाए हैं, ECG मशीन लाए हैं और BP वगैरह नॉर्मल क्लिनिकल भी चेकअप हो रहा है। मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत कलेक्ट्रेट के NIC कक्ष में VC के माध्यम से मुख्यमंत्री के उद्बोधन को सुना गया। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, शमसाबाद विधायक राजश्री सिंह, बासोदा विधायक लीना जैन और हितग्राही उपस्थित रहे। आज उन परिवारों को जिनकी पीढ़ियाँ हो गई थी, मकान बनाए हुए 50-50 साल हो गए, 60-60 साल हो गए, और उनको उनकी मकान जहाँ बना था उस भूमि का अधिकार नहीं था। नगरीय भूमि अधिकार पट्टा योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्रांतिकारी कदम उठाते हुए उन सभी परिवारों को अपने ज़मीन का मालिकाना हक दिया है, बहुत ही नॉमिनल पैसा लेकर। अब वे अपने मकान जमीन के अधिकारी भी हो गए। अब इस दस्तावेज के आधार पर वो रोज़गार के लिए फाइनेंस भी करा सकते हैं, किसी में जमानत भी दे सकते हैं। इनको मालिकाना हक आज दिया है 4,000 परिवारों को। हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इतने वर्षों से जो लोग रह रहे थे उनको वो अधिकार, भूमि अधिकार देकर उन परिवारों के जीवन में खुशहाली लेकर आए। बहुत बड़ा कदम ये उठाया है, हमने सबको बधाई। आज हमने NIC कक्ष में नगरी क्षेत्र में भू अधिकार पट्टे और स्थायी पट्टे जो हमने वितरित किए हैं उसमें हमने कुल 36 लोगों को पट्टे वितरण किए हैं। इसमें कुरवाई के 5 लोग, बासदा तहसील के 5, शमसाबाद के 5 और विदिशा के 21 लोग थे। विश्व संग्रहालय दिवस के दिन विदिशा विरासत ग्रुप द्वारा संग्रहालय पहुंचकर प्राचीन धरोहरों का अवलोकन किया गया, प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी जुटाई। विदिशा विरासत ग्रुप के लोग उपस्थित रहे। शैलेंद्र कटारिया जी, आज क्या कौन सा दिवस है और किस तरीके से इसको मनाया जा रहा है? आज इंटरनेशनल म्यूजियम डे है। ये 1977 से देश में मनाया जाता है। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे यानी विश्व संग्रहालय दिवस का मतलब ये है कि हमारे देश में जितने भी संग्रहालय हैं उनका सीधा सीधा असर लोगों के ऊपर पड़ता है। लोग जब संग्रहालय में देखने के लिए आते हैं तो उनको भारतीय संस्कृति, भारत के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और उनके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग पैदा होती है जो संग्रहालय काम करते हैं। यही संग्रहालय का पावर है और ये पावर ऑफ द संग्रहालय इस वर्ष का थीम है। और हम सबको संग्रहालयों में ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स को आकर्षित करके इसका उपयोग मानसिक रूप से उन पर प्रभाव डालने में करना चाहिए। ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, कंस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट होता है, रचनात्मक होता है, इसलिए इस पर सरकार को और ज़्यादा ध्यान। वो विदिशा विरासत ग्रुप का सदस्य हूँ। आज हम सभी लोग विदिशा म्यूज़ियम में एकत्रित हुए हैं और इस एकत्रित होने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज वर्ल्ड म्यूज़ियम डे है, तो विदिशा की विरासत जो इस जगह पर संरक्षित हैं
उनसे परिचय हेतु हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। उद्देश्य संस्था का ये है कि विदिशा की विरासत को संरक्षित कैसे किया जाए और आम जन तक उसको कैसे पहुँचाया जाए, जिससे जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो आकर्षित हों और वो अपनी विरासत को संरक्षित करने के लिए आगे आए। ये जो मूर्ति यहाँ, ये क्या संदेश देती है हमारे लिए, किस तरीके की हमें मैसेज कर रही है? ये हमारी सनातन पुरातन जो धरोहर है, जो व्यवस्थाएं हैं, उनका गौरव है। ये हमें ये सिखाती हैं, ये हमें संदेश देती हैं कि आज से 1000-2000 साल पहले जो हमारा जीवन था, जो हमारी वैभव था, वो किस तरह का रहा, हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए, और इसके साथ ही हमें इनके संरक्षण के लिए और अधिक। किसानों की फसल की राशि अभी तक नहीं आने के कारण किसान कांग्रेस द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और शीघ्र राशि की मांग की गई। आज के किस उद्देश्य से आए आप ये कलेक्टर साहब के पास मिलने? ये किसानों की समस्याओं लेके हम लोगों ने पिछले समय आंदोलन किया था, तब माननीय कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि बहुत शीघ्र ही आपके बैंकों के खातों में पैसे पहुंच जाएंगे, जिनके खातों में नहीं पहुंचे और जिनके खातों में अन्य जगह पहुँच गए, दूसरे खातों में जो बंद थे 20-20 साल से, उन खातों से वापस आकर के उनके जो खाता किसान बताएगा उस खाते में पहुंच जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी ओर कई किसानों के खातों पर होल्ड लगा हुआ, जिसके लिए कलेक्टर साहब ने कहा भी था कि मैं होल्ड खुलवा दूँ। मेरे हाथ में अभी ये 2020 के खाते का होल्ड लगा हुआ पेपर है, 2020 से खाता होल्ड है, उसके किसान के 90,000 रुपये उसी में जमा हैं, आज तक ना तो बैंक के कर्जे में जा रहे हैं ना किसान के खाते में आ रहे हैं। दूसरे किसान का है जिसकी पूरी संपूर्ण फसल उसकी जो करीब 3.5 लाख रुपए की थी, संपूर्ण खाती बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में चली गई, वहाँ पूरे खाते पर होल्ड लगा संपूर्ण राशि। अब वो किसान क्या करेगा, कैसे पूरी साल निकालेगा? अभी जो उसका खर्चा हुआ है कटाई में, बुआई में, हकाई में, उसको कैसे पूरा करेगा, आने वाली फसल के लिए वो कैसे काम करेगा? इन सब बातों को लेकर माननीय कलेक्टर साहब से आज फिर पुनः निवेदन करने आए हैं कि मजबूर मत करिए साहब, किसान मजबूर होकर फिर उग्र आंदोलन पर मजबूर होगा। संपूर्ण ज़िले में ऐसी परेशानियां हैं जिनको कलेक्टर साहब, आपके माध्यम से भी मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जितने भी किसानों की समस्याएं हैं उनको अतिशीघ्र ख़त्म करें, उनको निराकृत करें, क्योंकि किसान अगली फसल के कार्य में व्यस्त है, और ऐसा ना हो कि वो सब चीज़ छोड़कर विदिशा की ओर रुक करें। अब अंतिम पड़ाव यही है कि विदिशा को जाम करेगा किसान, अब और कोई चारा नहीं है, हर तरीके से बात कर चुके प्रशासन से, तो अब अगर नहीं सुनवाई होती है तो उग्र आंदोलन बहुत जल्द किसान करेगा, यही मैं कहना चाहूँगा। आज की खबरों को देते हैं पर ब्रह्म, आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज, हमें दीजिए इजाजत। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।